बिजनौर खबर टीवी में आपका स्वागत है। बिजनौर के रहने वाले लड़के की दिल्ली में दर्दनाक मौत। 10 दिन पहले बीवी से हुआ था तलाक, जिसके बाद अपने बच्चों से मिलने गया था दिल्ली। लड़के की आनंद विहार के रेलवे ट्रैक पर मिली खून से लथपथ लाश। दरअसल आपको बता दें कि बिजनौर के नहटोर के गांव लालबाग में उस समय मातम का माहौल बन गया, जब लालबाग के रहने वाले मोहम्मद जफर उम्र 26 वर्ष की डेड बॉडी दिल्ली से बिजनौर पहुंची, जिसे देख जफर के परिजनों में बना मातम का माहौल। बता दें कि जफर का उसकी पत्नी से बीते दिनों पहले झगड़ा हो गया था, जिस बात को लेकर जफर ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया था, जिसके बाद जफर की पत्नी बच्चों को लेकर दिल्ली चली गई थी। जफर अपने बच्चों से मिलने दिल्ली गया था, जहां उसका कल दिल्ली के आनंद विहार में रेलवे ट्रैक पर खून से लथपथ मिला शव। पुलिस ने जफर के शव का कराया पोस्टमार्टम और भेजा बिजनौर। जफर के परिजनों ने बताया, अभी जफर की मौत के कारण का पता नहीं चल पाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो करें और देखिए जफर के परिजनों ने इस मामले में क्या कहा। नहटोर से हमारे संवाददाता मोहम्मद नोमान की रिपोर्ट। क्या है जी? मुझे न इन्होंने 3 बार 2 बार पहले तलाक दे रखी थी न समय, एक बार मुझे जसपुर में इन्होंने तलाक दी न समय, और अब दोबारा भी इन्होंने ऐसी तलाक दी मुझे। लड़े झगड़े दारू के ऊपर ही हो रहे थे, दारू पीते थे नशा करते थे, और जिसके साथ गए थे उस लड़के को बुलाओ तो वो बताएगा क्या हुआ था कैसा हुआ था। जिसके साथ सलमान नाम है उसका उसे बुलाओ, जब इन्होंने ये मुकदमा छेड़ा है तो उसको भी बुलाओ, और जिसने जिसने मारा है उसका पता निकालो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैं दूंगी, मैं करूंगी केस, जिसने मारा है उसका पता निकालो। बस लड़के का नाम क्या है? सलमान नाम है उसका, मिला दूंगा। हाँ यही का है, लालबाग का। अगर वे दोषी पाए गए हैं एक बार बताओ, उसमें गवाही देंगी? हाँ मैं उसमें गवाही दूंगी, क्योंकि ये मुझसे ये बोले। आपका भाई हो? हाँ मेरा भाई हो, कोई भी हो, कोई भी हो, जो सच सामने लगा मैं उसके खिलाफ गवाही दूंगी। चार कोई दिन पहले ऐसे काम पे गया था तो वो भी बताना, वो क्या? मिलने, मिला मेरे मेरे धोरे तक नहीं आए ना मेरे पास, जब मेरा यहाँ जब मुझे इन्होंने तलाक दिया था तो मैंने यहाँ सबके सामने अपना सिम तोड़ दिया था। मैं चली गई यहाँ से तो मुझे फोन आया, मुझे जायद मामू की लड़की गुलसभा, उन्होंने फोन किया मुझे, भाभी ऐसे से भैया खत्म होगा तो मैं पता क्या। मैंने कहा ना मैं आनंद विहार गई चौकी में बूझने, उन्होंने बताया चौकी में आनंद विहार है, मैं वहाँ गई, मैंने पूछताछ निकाली तो पुलिस वालों मुझे दिखा कर लेकर आए। तू आनंद विहार से कहाँ थी? तुम अपने बच्चों साथ लेकर आए? हाँ बच्चे दोनों मेरे साथ हैं। बात यह है कि इसके भी दिल्ली गया था ये अपनी बीवी के पीछे पीछे, बीवी से झगड़ा हुआ था इसकी, और 4-5 दिन के बाद ये बीवी के पीछे बच्चों से मिलने के लिए गया था यहाँ से कह के। और उसके बाद ये 2 दिन बाद ये पता लगा कि लड़का ख़त्म हो गया, और ये जो है अभी तक तो हमें अंदाजा ये लग रहा है कि इसे मार के डाला गया है। अच्छा। और बाकी जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट होने के बाद जो खबर आएगी उसके बाद जो ऐसी भी हमें कार्रवाई करनी होगी वो करेंगे। कार्रवाई पे तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल तैयार हैं।